हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मेकओवर। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नायका का पिंक सेल हॉल। ये सो मैंने ये ऑर्डर बहुत पहले प्लेस किया था और मुझे ये विद इन 2 डेज में मिल गया था, पर मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और थोड़ा फीवर भी हो रहा था, तो इसलिए मैं अपना नायका हॉल शेयर नहीं कर पाई। सो या गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए देखते हैं मेरा नायका हॉल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा बॉक्स इतना बड़ा है कि ये पूरे स्क्रीन पे ही फिट नहीं हो रहा है, तो मैं दोनों बॉक्स के सामान को एक ही बॉक्स पे रख लेती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा ये बॉक्स में देखिए कितना सारा सामान है, और इसमें स्किन केयर के लिए भी है, हेयर केयर के लिए भी है, एंड थोड़ा मेकअप का सामान भी है। तो चलिए देखते हैं। नायका एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है, उसमें आपको बहुत सारे ब्यूटी के सामान मिल जाएंगे और हेयर केयर और स्किन केयर, मतलब हर जो आपको चीज़ चाहिए मेकअप से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वो सारी चीज़ें नायका ऐप प्रोवाइड करता है। सो मेरा पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये वैसलीन का बॉडी लोशन। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है। नायका की पैकेजिंग वैसे पहले से बेटर हो गई है। खुल जा, तो ये खुल नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं मुझे इसे फाड़ना चीरना पड़ रहा है। ओह गॉड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक्चुअल प्रोडक्ट। ये है वैसलीन का एलो फ्रेश इंटेंसिव केयर बॉडी लोशन। सो ये 400 ml का है। इसका एक्चुअल प्राइस शायद 300 कुछ है, मुझे याद नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो एक्चुअल प्राइस है उसे भी मेंशन कर दूंगी, और जो सेल पे पड़ा मैं उसे भी आपको मेंशन कर दूंगी। तो ये मुझे शायद 211 मतलब 211 रुपीज में मिला है। सो एंड जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये हेयर केयर से रिलेटेड डव का शैम्पू, और यह है 650 ml शैम्पू, और इसका रेट भी समथिंग 460 कुछ था उस समय, और सेल पे मुझे आई थिंक 200-250 या मतलब इसी के बराबर कुछ मिल गया था। तो ये काफ़ी अच्छी डील चल रही थी, और इसके साथ एक कंडीशनर भी था, वो मतलब दोनों साथ में दिखा रहे थे, बट उसका भी प्राइस कुछ 143 था, पर वो मेरा अभी आया नहीं है, डीले हो गया, तो सॉरी मैं उसे आपको नहीं दिखा सकती। सो या ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट। एंड स्किन केयर और हेयर केयर मैंने दो ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं। और थर्ड जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट। सो ये बेसिकली मैंने अफोर्डेबल मेकअप के लिए मंगवाया था, बट मैंने इसको एक बार यूज़ करने की कोशिश की पर वो मुझसे हो नहीं पाया। देखिए कितने सारे ब्राइट कलर्स है, पर इसकी पिगमेंटेशन ओके है। 100 रुपीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसका प्राइस भी कुछ 120 या 130 था, बट मुझे सेल पे ये 102 रुपये का मिल गया। काफ़ी अच्छी डील थी, बट फिर भी इसके जो मैट कलर्स है वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। सो फिर भी मैं इसे ट्राई करने की कोशिश करूँगी। सो ये है मेरा थर्ड। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये प्योरिकॉन का लेंस क्लींजर। एक्चुअली में मेरा जो मस्कारा था मेबलिन का वो ड्राई हो गया था, तो मैंने सुना था कि लेंस क्लींजर अगर आप अपने मस्कारा में 2-3 बूंद डालें तो आपका मस्कारा काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो पहले की तरह वर्क करने लगता है। तो या मैंने इसे लिया है और इसे मैंने अपने मस्कारा में डाल के भी देखा, काफ़ी अच्छा वर्क करा है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड जो मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है, ओ माय गॉड, मतलब मुझे ये चाहिए ही चाहिए था, मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए था, पर इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई था। लुक एट दैट, ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर मोल्टन गोल्ड। इसका शेड है और आप देखिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इसको खरीद के। और इसका एक्चुअल प्राइस तो 550 कुछ है, पर मुझे ये सेल पर मिल गया था 385 का। सो बहुत अच्छा है ये। एक्चुअली मैंने इसे अप्लाई भी किया है अभी, आप इसकी शाइन देख सकते हो, मतलब ये मेरे जैसे डस्ट की स्किन टोन के लिए तो वरदान है। आप इसे एक बार जरूर खरीदिएगा, आप इसकी पिगमेंटेशन देखिए सिंगल स्वाइप में।
आप देख सकते हो। सोया अगर आपको ये खरीदना है तो इसकी मैं बाय लिंक नीचे दे दूंगी। देन उसके बाद जो मेरा फिफ्थ प्रोडक्ट है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड लाइट। तो जो मेरा पहले वाला कंसीलर था मेबलिन का, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था पर वो खत्म हो गया था, तो ये सेल पे बहुत अच्छे प्राइस पे मिला था। इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस है शायद 299 एंड मुझे ये सेल पे कुछ 200 समथिंग का मिल गया था। सो ये भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैंने इसे अभी अप्लाई भी किया है अपने मतलब अंडर आई पे, फोरहेड पे। सो ये काफी अच्छा वर्क करता है। सो ये मेरा देन जो मेरा सिक्स प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। सो मेरे पास एक मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो है रेवोल्यूशन का। सो वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड का है तो मैंने सोचा कि उसे अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में ज्यादा खर्च ना करूं क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव है। सो मैंने सोचा कि मैं थोड़े अफोर्डेबल साइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ, देखती हूँ मेरे ऑयली स्किन पे कैसे वर्क करता है। सो मैंने ये ब्लू हेवन का लिया और इसे मैंने एक बार यूज भी किया है इससे पहले वाला जो मेकअप ट्यूटोरियल आया था उसमें। सो इसने काफी अच्छा वर्क किया था, इसने कुछ हद तक मेरे ऑयल को कंट्रोल किया था। सो ये है मेरा सिक्स प्रोडक्ट। सो इसका एक्चुअल प्राइस है कुछ 300 करके और मुझे ये पड़ गया था सेल पे 250 समथिंग का। सो काफी अच्छी डील थी, सो मैंने इसे भी बाय कर लिया। देन मेरा जो सेवन एंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल और मैंने इसमें शेड लिया है टर्कोइज। तो मैं एक ग्रीन काजल यूज करना चाहती थी कैसे वर्क करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना लैक्मे का लिया जाए क्योंकि मैंने इसके भी काफी अच्छे रिव्यूज पड़े थे। इसमें तो दिया गया हुआ है 10 आवर्स नो स्मज प्रूफ, नो स्मज और वाटर प्रूफ और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई गई है। सो या मैं ऐसे टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है और इसका प्राइस भी कुछ 275 करके है। सो मुझे ये पड़ गया था सेल पे 175 कुछ करके। सो मैं इसका एक्चुअली प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप उसे भी जरूर चेक करिएगा। सो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही एंड आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे जो रेड कलर का बटन है आप उसे भी हिट कर दीजिएगा और जो उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है आप उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।